हाय फ्रेंड्स, मैं सिद्धार्थ कश्यप, आपके चैनल माय लाइक वीडियोस में आपका स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इससे पहले वाले वीडियो में हमने कारपेंटर ट्रेड थ्योरी की बुक से इंट्रोडक्शन जो किया था, आज हम उसके पहले चैप्टर जो आपको पता है परिचय, सुरक्षा एवं सावधानियाँ, इंट्रोडक्शन, सेफ्टी एंड प्रिकॉशन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि कारपेंटर का क्या मतलब होता है। हिंदी में कारपेंटर को बड़ाईगिरी कहते हैं। अब आपको मैं बताता हूँ, आपको मैं इस वीडियो में बोल के इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि आप इसे आराम से रात में सोने से पहले या कभी भी एक हेडफोन कान में डाल के आराम से सुन सकते हैं, जिससे आपको आसानी से याद रहे। बढ़ाईगिरी का व्यवसाय बहुत ही प्राचीन है। आदिम काल से ही मानव लकड़ी का प्रयोग करता आया है। लकड़ी से रहने के लिए झोपड़ियाँ, औजार, हथियार व घरेलू प्रयोग का सामान बनाया जाता रहा है। अब तो दिन ब दिन लकड़ी से बनाए गए फर्नीचर लोकप्रिय होते जा रहे हैं। लकड़ी पर खुदाई व कार्विंग करके सुंदर व आकर्षक फर्नीचर बनाए जाते हैं। अन्य पदार्थों की अपेक्षा लकड़ी से बनाया गया फर्नीचर टिकाऊ, हल्का व सुंदर होता है। वार्निश, पेंट या पॉलिश आदि से लकड़ी की सतह को नमी रोधक, सुंदर व चमकदार बनाया जाता है। ये वार्निश, पेंट व पॉलिश आदि जो है, अगर जैसे आपको, जैसे मैं जो चीज़ बता रहा हूँ, अगर आपको चीज़ वह समझ में नहीं आती है तो आप एक उसे अलग कॉपी में नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये वार्निश और पेंट आगे के चैप्टर में इसको डिफाइन किया है कि वार्निश क्या चीज़ है। जैसा कि आप सब जानते हैं, वार्निश से कलर होता है, पेंट भी कलर होता है, पर इसमें भी कई अलग अलग टाइप के वार्निश होते हैं, कारपेंट्री में जो यूज़ होने वाले वार्निश होते हैं। ठीक है, तो आप जो ये वर्ड्स हैं जो एक अलग नोटबुक में उतार लेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि ये इन वर्ड्स से भी एग्जाम में कभी कभी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। लकड़ी से बनाया गया फर्नीचर की आयु अन्य पदार्थों से बनाए गए फर्नीचर से अधिक होती है। अब तो लकड़ी को कीड़े, क्षय व अन्य बीमारियों से रोक थाम के उपाय भी उपलब्ध हैं। यानी बीमारियों से रोकथाम के उपाय, यानी कि पहले जो लकड़ियों में जो कीड़े वगैरह लगते थे, उन कीड़ों जो लकड़ियाँ कीड़े लगने के कारण जो लकड़ियाँ बीमार हो जाती थी, उनको रोकने के लिए अब जैसे ट्रीटमेंट, दवाइयाँ वगैरह, जो एडिसिव जो भी होते हैं, जो अब हम लकड़ी में मिला देते हैं, जिसके बाद उसमें कीड़े नहीं लगते हैं। अब हम बात करते हैं फर्नीचर के अतिरिक्त भवन निर्माण में, जैसे खिड़की, दरवाजे, पार्टीशन, सीढ़ियाँ, फर्श व छत आदि में भी लकड़ी का बहुत उपयोग किया जाता है। खेलों का सामान बनाने, यातायात के साधनों जैसे बस, ट्रक, समुद्री जहाज व नाव आदि को बनाने में भी लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त कागज बनाने, पेपर बोर्ड बनाने, प्लाईवुड बोर्ड बनाने, सॉफ्ट बोर्ड तथा वुड पल्प आदि बनाने में भी लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। देखो दोस्तों, आप ये सभी नाम एक अलग पेपर में लिख लीजिए, आपको ये सोचकर, जानकर आश्चर्य भी हो सकता है कि इसमें कागज बनाने में भी लकड़ी का प्रयोग बताया है। ये बिल्कुल सही है, कागज भी लकड़ी का ही बनता है। अब आप यहाँ कंफ्यूज मत होइए कि पेपर बोर्ड बनाने, पेपर बोर्ड क्या चीज़ होती है, प्लाई बोर्ड आप सभी जानते हैं, सॉफ्ट बोर्ड आप जानते हैं, वुड पल्प क्या होता है, ये सब आगे के चैप्टर में डिफाइन किया गया है। तो जो नहीं शब्द नहीं समझ आ रहे हैं, उसे आप एक अलग नोटबुक में लिख सकते हैं। इन सभी कारणों से लकड़ी का काम करने वाले कारीगर का महत्व काफ़ी बढ़ गया है। बढ़ाई की बिना आज का जीवन अधूरा है। ठीक है, ये तो एक टॉपिक था कि कारपेंटर का एक्चुअल मीनिंग क्या है, बढ़ाईगिरी, ये पूरा जो है कारपेंटर का एक्चुअल मीनिंग। अब हम बात करते हैं कि
लकड़ी का काम करने वाले कारीगर, हम जैसे कि समझते आए हैं अभी तक के कारपेंटर जो होता है वो लकड़ी का काम करता है, पर ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे अलग अलग पार्ट्स में उनको डिफाइन किया गया। लकड़ी का काम करने वाले कारीगर को निम्न चार भागों में बांटा गया है। जी हाँ दोस्त, ये जो पॉइंट्स दिखने में तो चार हैं पर ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। कभी भी एग्जाम में इनसे रिलेटेड प्रश्न आते हैं कि ज्वाइनर का क्या काम होता है, ज्वाइनर। अब आप सोचेंगे कि वहाँ आंसर में लिखा भी होगा कि ज्वाइनर का वर्क लकड़ी से संबंधित होता है, या इंग्लिश में क्वेश्चन अगर आता है कि ज्वाइनर का मतलब किससे संबंध है, तो आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि ज्वाइनर जो होता है वो भी एक कारपेंटर में ही आता है, कैबिनेट मेकर भी जो होता है वो भी कारपेंटर में आता है, और पैटर्न मेकर भी कारपेंटर में आता है। तो सबसे पहले इसमें है कारपेंटर, ये आप सभी जानते हैं कारपेंटर। दूसरा है ज्वाइनर, ये भी एक कारपेंटर का सेकेंड जो है, अभी इसके बारे में पढ़ेंगे ज्वाइनर का क्या काम होता है। थर्ड है कैबिनेट मेकर, कैबिनेट मेकर। फोर्थ है पैटर्न मेकर। देखो दोस्तों, अब हम देखते हैं कारपेंटर। भवन निर्माण के कार्यों जैसे छत, फर्श व पार्टेशन आदि बनाने वाले लकड़ी के कारीगर को कारपेंटर कहते हैं, जो भवन निर्माण के कार्य करते हैं। ठीक है, अब आप ध्यान रखिए इस चीज़ को, जो भवन निर्माण के कार्य करते हैं वो ही कारपेंटर होते हैं। अब बात करते हैं ज्वाइनर। ज्वाइनर किसे कहते हैं? भवन के अंदर के कार्य जैसे दरवाजे, खिड़कियों, सीढ़ियों व अंदर की अन्य फिटिंग को बनाने वाले कारीगर को ज्वाइनर कहते हैं। वैसे अगर हमारे यहाँ कोई काम होता है तो कारपेंटर ही ये काम कर देता है, ये भी कर देता है, ये चारों काम कर देता है, इसलिए हम उसे कारपेंटर कहते हैं, या ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। पर ये जो चीज़ जो बुक्स के अंदर लिखी है, यही एग्ज़ाम में ऐसे छोटी छोटी चीज़ें पूछी जाती है, एक एक दो दो नंबर के क्वेश्चन से, और जो हमें, मेरे को पूरा पक्का है, ये मेरे को खुद को भी नहीं आती थी, तो इसे याद रखने की चीज़ें, ध्यान में रखने की चीज़ें। अब हम बात करते हैं कैबिनेट मेकर। लकड़ी, प्लाईवुड, प्लाईवुड आदि से कैबिनेट, कपबोर्ड, रैंक, काउंटर या शोकेस आदि बनाने वाले कारीगर को कैबिनेट मेकर कहा जाता है। नाम से ही पता चलता है, कैबिनेट जो दुकान वगैरह में जो रखते हैं, रैंक, कैबिनेट, काउंटर, वो बनाने वाले को कैबिनेट मेकर कहते हैं। ठीक है, और ज्वाइनर जहाँ ज्वाइंट लगता है अंदर के कार्यों में, जैसे दरवाजे, दरवाजे में जैसे कि आप देखते हैं एक चौकोर होता है, चार तरफ ज्वाइंट होते हैं, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। अब बात करते हैं पैटर्न मेकर। ढलाई के कार्यों में कई कोई भी वस्तु बनाने या पहले लकड़ी से उसका प्रतिरूप या पैटर्न बनाया जाता है। पैटर्न बनाने में काफ़ी शुद्धता यानी एक्यूरेसी की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए पैटर्न बनाने वाले कारीगर को अपने काम में कुशल होना आवश्यक है। पैटर्न बनाने वाले कारीगर को पैटर्न मेकर कहा जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपको इसमें बताया है, आज के फर्स्ट चैप्टर है जो इंट्रोडक्शन किया है अपन ने कारपेंटर से, कि कारपेंटर क्या होता है और फर्नीचर वगैरह जो कारपेंटर में आते हैं। उसके बाद जैसे कि मेरे को पूरा पक्का पता है कि आज ही आपको ये पता चला होगा इन तीन चीज़ों के पॉइंट के बारे में, इनका भी अलग 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 रोल होता है कारपेंटर के अंदर। तो आपको सभी को मैं एक बार फिर से रिमाइंड करा देता हूँ, कारपेंटर जो भवन निर्माण के कार्य करते हैं जैसे छत, फर्श व पार्टीशन आदि, ठीक है, बनाने वाले लकड़ी के कारीगर को कारपेंटर कहते हैं। ज्वाइनर जैसे कि ज्वाइंट भवन के अंदर जैसे कार्य, दरवाजे, खिड़कियाँ, सीढ़ियाँ व अंदर के अन्य फिटिंग्स, ठीक है, वो हो गया ज्वाइनर का काम हो गया। और कैबिनेट मेकर का काम हो गया लकड़ी, प्लाईवुड, प्लाईवुड आदि, कैबिनेट, कपबोर्ड, काउंटर, रैंक, ये हो गया कैबिनेट मेकर का काम हो गया। पैटर्न मेकर का काम हो गया ढलाई के कार्यों में कोई भी वस्तु बनाने से पहले लकड़ी से उसका प्रतिरूप या पैटर्न बनाया जाता है, वो होता है पैटर्न मेकर। ठीक है, तो आज हमने इंट्रोड्यूस किया है पहला टॉपिक कारपेंटर के बारे में, चैप्टर फर्स्ट से फर्स्ट टॉपिक।
और अब हम अगले टॉपिक में बात करेंगे, अगले मतलब क्राफ्ट्समैन की बात करेंगे, क्राफ्टमैन का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो हमारे नेक्स्ट वीडियो में अब हम इसकी बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।